हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। तो देखिए, हम ये प्रिंट में देखिए हमने कपड़ा ले लिया है रेड और ग्रे कलर में, और हमने लाइनिंग भी कट कर लिया है इसका। और ब्लाउज का जो साइज है हमारा 30 साइज है, और देखिए इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। इसकी जो लंबाई ली हमने 13.5 इंच ली है, शोल्डर और मुंडे हमारे 6-6 इंच है। और देखिये मैंने ये रेड कलर का इस तरह से प्लेन में कपड़ा ले लिया है, तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। हम जो नेक कट करेंगे पहले इस पे कट कर लेते हैं ब्लाउज पे, फिर हम जो हमने रेड कलर का कपड़ा लिया उसके हम डिजाइन तैयार करेंगे। तो देखिए ब्लाउज को हम साइड में रखेंगे, लाइनिंग पे कट करेंगे हम। तो नेक हमारा नॉर्मल रहेगा राउंड शेप में, तो शोल्डर से 2.5 इंच, इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम इस तरह से 11.5 इंच ले लेते हैं। देखिए इसमें हम हल्का सा इस तरह से मटका शेप दे देंगे, आप राउंड शेप बिल्कुल नॉर्मल दे सकते हैं। तो देखिए हमने ये ड्रॉ कर लिया, इस पे सेम इस साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब हम ब्लाउज को नीचे सीधा रखेंगे। तो देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर हम लाइनिंग रख देंगे और पूरा सेट कर लेते हैं पेंसिल। देखिए इस तरह से मैंने पूरा पेंसिल सेट कर लिया है। अब यहाँ पे पूरे पे सिलाई करेंगे और नीचे भी हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब बीच वाला नेक हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है और साइड से हम पलट देंगे। देखिए इस तरह से अब पूरे पे सिलाई कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से मैंने पूरे पे सिलाई कर दिए, नीचे भी सिलाई कर दिए, इसे हम साइड में रखेंगे। देखिए हमने ये रेड कलर की जो पट्टी ली है, तो देखिए इसके जो हमने लंबाई ली है वो 17 इंच है। तो देखिए इसमें हम इस तरह से प्लेट डाल देंगे, देख सकते हैं इस तरह से ये जो बीच में सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया है। और देखिए हमने सेम इस तरह प्लेन एक पट्टी कट कर ली है, तो इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। और जो हमारा ब्लाउज है इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से।
देखिए इस तरह से, और हम ये चौक से निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लिए, और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई करेंगे सिर्फ यहाँ तक। देखिए अब इसे अंदर पलट देंगे हम, और देखिए यहाँ पे भी अब सिलाई कर लेते हैं हम। देखिए इस तरह से अब ब्लाउज अटैच करेंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरह से मैंने पूरा पिंस सेट कर लिया है, और ये हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, इस तरह से पूरे पे लगाएंगे हम लेस को। देखिए इस तरह से मैंने पूरे में लेस लगा दी, तो हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरह से सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी।